हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन ट्यूटर। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आपको मालूम हो चुका है, पता चल चुका है कि आपका बिहार आईटीआई का जो रिजल्ट है वह आ चुका है। आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट मतलब कि वहाँ लिंक दे रखा है, आप लोग डायरेक्टली वन क्लिक में आप अपना जो रैंक कार्ड है देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि देखिए, ये जो पहले मैं क्लियर कर दूँ, यह 2018 का है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बता दूँ, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका मेरिट लिस्ट हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट लगा था, दस्तावेज लगा था, इसी के तर्ज पे आपका 2019 का भी होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पीडीएफ को डाउनलोड करके रखा है फ्रेंड, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आईटीआई मेरिट लिस्ट फॉर फर्स्ट काउंसलिंग आईटीआई पटना का। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट काउंसलिंग के लिए जारी किया गया था, तो आईटीआई दीघा, पालीगंज, बिहटा, मसूरी, बार और पटना सिटी के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 2019 का भी होगा आएगा। तो फ्रेंड मैं मतलब वीडियो बना दूंगा, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा, यह 2018 का है। बहुत लोग मेरे को कमेंट करते हो कि सर 2019 का बता रहे हो, नहीं 2018 का है फ्रेंड, आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी के तर्ज पे बेस पे आपका 2019 का मैट्रिक फर्स्ट काउंसलिंग होगा। तो देख सकते हैं, ऐसे ही आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू बुलाया मतलब दिया रहेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए आपको बुलाया जाएगा डेट वाइज। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं जो 2018 में हुआ था फ्रेंड, देख सकते हैं कितना लेट हुआ था, 12/7/2018 को हुआ था, मतलब अगले महीने स्टार्ट हुआ था आपका काउंसलिंग। तो इस तरीके से आप लोग एक आइडिया ले सकते हो कि आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग होगा वह मतलब इस महीने के मतलब कि इस महीने स्टार्ट हो जाएगा या फिर अगले महीने के इस समय तक हो जाएगा, ये आप लोग डिटेल देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, मैं पूरा आपको स्क्रॉल करके दिखा दूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड। एंड फिर वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर से जरूर लाइक करना एंड आगे बने रहे हमारे साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड, फिर यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज फर्स्ट काउंसलिंग में कहाँ है, तो भोजपुर देख सकते हैं, बिहिया, आरा, ये सब दिया गया है सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज का, मतलब जितने को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। फिर यहाँ बक्सर का देख सकते हैं फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा बाहर के साउंड के लिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको फिर लास्ट में आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो ये सब तो आपको मालूम होगा, फिर भी मैं आपको रिकेप कर दूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि देखिए मतलब जब आपका मतलब सब मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, तो आपको क्या क्या लेके जाना होगा। तो देख सकते हैं, जब आपने फॉर्म भरा था आईटीआई का 2019 का, तो एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट ए पार्ट बी का हार्ड कॉपी को ले जाना अनिवार्य है, साथ ही मैट्रिक या उससे रिलेवेंट परीक्षा का सर्टिफिकेट, मूल प्रवेश पत्र, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका इनकम टैक्स, जाति मूल प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, सारा विवरण आपको लेके जाना होगा फ्रेंड। ठीक है, और देखिए विकलांग कोटा, DQ हेतु प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना होगा। तो ये था 2018 का, इसी तर्ज पे आपका 2019 का भी होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोगों ने देखा, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड फ्रेंड, जैसे ही 2019 का फर्स्ट मतलब काउंसलिंग का जो लिस्ट है आ जाता है, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, एंड फ्रेंड आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों को भी बताएं कि 2018 का तर्ज कैसे हुआ था और यही 2019 का भी होगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।